नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सारांश सिंह है। मैं यहाँ पे चरक हॉस्पिटल में गैस्ट्रोएंटरोलॉजी डिपार्टमेंट हेड करता हूँ। एक पेशेंट के बारे में थोड़ा सा डिटेल शेयर करना चाह रहा था मैं। हमारे पास एक रवि वर्मा जी करके अल्कोहलिक लिवर डिजीज पेशेंट एडमिटेड हैं। काफ़ी इशूज़ हैं उनके, जैसे कि जॉन्डिस और थोड़ा सा होश खोना, इनकेफलोपैथी, एसआईटिस, ये सब चीज़ें हम ट्रीट कर रहे थे। मीनवाइल आज मॉर्निंग में ऑल ऑफ अ सडन उन्हें वॉमिट हुआ। उस वॉमिटिंग में कुछ फ्रेश ब्लड, कुछ क्लॉट्स आए, उसके लिए हमने अर्जेंट उन्हें एंडोस्कोपी में शिफ्ट कराया। और एंडोस्कोपी में जब हमने डाला तो खास करके लिवर डिजीज़ में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि गले की नस फूल के उससे ब्लीड होना या पेट की नस से ब्लीड होना, जो सबसे कॉमन कंडीशन है, वो सोचते हुए उन्होंने एंडोस्कोपी की थी। थैंकफुली वो नॉर्मल था, लेकिन जैसे ही हम पेट पार करके छोटी आँख की तरफ गए, जिसे हम कहते हैं ड्यूडनम, ड्यूडनम के कई पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को, तो D1 एंड D2 में, मतलब एक तो पूरा ब्लड बह रहा होता है स्टमक में और स्मॉल इंटेस्टाइन में भी, और D1 और D2 के जो जंक्शन होता है ड्यूडनम की आँख के, उसमें काफ़ी ढेर सारी ना ब्लीडिंग स्पॉट्स दिख रहे थे हमें, जो इंडिकेट करते हैं काफ़ी टाइम से उनको या तो अल्सर रहा होगा वहाँ पे, या तो क्योंकि उनकी जो लाइफ स्टाइल है स्मोकिंग, अल्कोहल, उसकी वजह से। काफ़ी मुश्किल से हमने लोकलाइज किया उसे, और थैंकफुली उसमें स्कलर थेरेपी नाम पे एक ट्रीटमेंट ऑप्शन होता है, जो हाथों हाथ एंडोस्कोपी के दौरान हम करके पेशेंट की ब्लीडिंग रोक पाते हैं। तो वो प्रोसीजर के बाद अब पेशेंट स्टेबल है, उनका BP स्टेबल है, हीमोग्लोबिन भी फॉल नहीं हो रहा है। ये एक प्रोसीजर है जो मैं आप लोगों को शेयर करना चाह रहा था कि चरक हॉस्पिटल में हमारे एंडोस्कोपी लैब इक्विप्ड है कि हम इस तरह के प्रोसीजर्स डील कर सकते हैं और थेरेपेटिक ऑप्शंस भी दे पाते हैं। थैंकफुली पेशेंट इज वेल। जस्ट छोटी सी इन्फॉर्मेशन, थैंक यू।